आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करना है, समटाइम आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको वर्डप्रेस जो है वो मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको ये ऑप्शन आपकी होस्टिंग के अंदर ही, आपके क्लाइंट जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है उसके अंदर ही आपकी होस्टिंग, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, तो आप मैन्युअली वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करना है, समटाइम आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको वर्डप्रेस जो है वो मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको ये ऑप्शन आपकी होस्टिंग के अंदर ही, आपके क्लाइंट जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है उसके अंदर ही आपकी होस्टिंग, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, तो आप मैन्युअली वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो उसके रेलिवेंट आज हम देखते हैं। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जो वर्डप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था उसको किस तरह से अनइंस्टॉल करना है ताकि फिर हम मैन्युअली अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर सकें। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम अपने सी पैनल के अंदर जाएंगे वापस, और सी पैनल के अंदर जाके हम अगर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और वापस सॉफ्ट क्लाउड इंस्टॉलर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस ऑप्शन आया और यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ है, इसका मतलब एक वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो रिमूव करने पे ये मुझे पूछ रहा है कि रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डाटाबेस, रिमूव डाटाबेस यूज़र, मैंने तमाम सेलेक्ट कर दिए कि मुझे सारा कुछ रिमूव करना है, कम्प्लीट इंस्टॉलेशन रिमूव करनी है। तो मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँगा रिमूव इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो रिमूव हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल था वो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें वर्डप्रेस हमारा चला गया, और यहाँ इसको भी रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, अब हमने क्या करना है, मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम wordpress.org के ऊपर जाएंगे और वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। wordpress.org के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस, गेट वर्डप्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे अपने सी पैनल के अंदर वापस, और अब हम इस ऑप्शंस के बिना मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस जाना पड़ेगा अपने फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास पब्लिक HTML, मैंने बताया जो भी हमारी लाइव वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो फाइल्स होते हैं वो पब्लिक HTML के अंदर होती हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, पब्लिक HTML में अभी कुछ भी नहीं है, ये इसकी अपनी फाइल्स हैं, तो इनको मैं नहीं छोड़ूंगा और अपना जो वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड किया वो यहाँ पे इंस्टॉल कर यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो उसके लिए मैं इसको अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से वर्डप्रेस जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस जो है अपलोड होना शुरू हो गया। आप सिलेक्ट फाइल करके भी वर्डप्रेस जो है या जो भी फाइल है आपकी वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये 21 MB की फाइल है जिसको अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम थोड़ा सा और काम है वो कर लेते हैं। तो इनको मैं कट कर देता हूँ, और तब तक ये अपलोड हो रहा है मुझे क्या करना है, वापस जाना है सी पैनल के अंदर, और मुझे दो चीज़ें करनी है। पहला तो मैंने फाइल मैनेजर के अंदर वर्डप्रेस की फाइल डाल दी, उसके बाद मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है और उस डेटाबेस को कनेक्ट करना है वर्डप्रेस के साथ, सिर्फ इतना सा काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सिंपल डेटाबेस के अंदर, क्रिएट डेटाबेस सिंपल, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आई थिंक अपलोड हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके अपलोड होने तक। ओके, ये हमारे पास अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा गो बैक,
वो बैग के अंदर यहाँ पे हमारे पास वो फाइल अवेलेबल है। ओके, इस फाइल पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, और इसको इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, जस्ट सिंपल एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दूँगा इसी लोकेशन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे पास यहाँ पे टोटल जो फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया वर्डप्रेस, इसके अंदर हमारे वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और क्योंकि मुझे इसको मेन पब्लिक एचटीएमएल के अंदर लेके जाना है, मैंने सबको सिलेक्ट किया, मूव किया, तो मैं इसको मेन डायरेक्टरी के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ पब्लिक एचटीएमएल के अंदर इन सारी फाइल्स को। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मूव, ये सारी फाइल्स हमारे पास मूव हो गई पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। ओके, मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड किया और पब्लिक एचटीएमएल के अंदर अपलोड करके वहाँ पे उसकी सारी फाइल्स रख दी। यहाँ तक मैंने काम कर लिया, फिर मैं गया वापस डेटाबेस क्रिएशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज एहसान लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो ये डेटाबेस हमारे पास इस नाम से क्रिएट हो गया। अब साथ साथ जो डेटाबेस हम मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको उन फाइल्स के साथ भी कनेक्ट करता जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल होगी wp-config.php। ओके, तो वो फाइल हम ढूंढते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए sample.php। तो मैं इसको एडिट करके, सॉरी, इसका पहले मैं नाम चेंज करूँगा, इसमें मैंने क्लिक किया, इसको मैं करूँगा रीनेम, और ये सैम्पल को मिटा के config.php कर दूँगा, ठीक है, wp-config.php, इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब ये मेरे पास फाइल यहाँ पे अवेलेबल है wp-config.php, इसको मैं एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया एडिट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बेसिक सी कोडिंग हमारे सामने नज़र आएगी यहाँ पे देखें, लेकिन हमने जो इस पूरे कोड का जो फोकस करना है वो सिर्फ इस वाली जगह को फोकस करना है। ओके, इन तीन लाइनों को, क्योंकि यही सारी चीज़ें, सबसे पहले डीबी नेम मतलब डेटाबेस नेम, अभी मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया उसका नाम था ये। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे डीबी नेम हियर वो डेटाबेस पेस्ट कर दूंगा। ओके, फर्स्ट काम हो गया, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, मैं वापस चलता हूँ। अब मुझे क्रिएट करना है यूज़र, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ गया यूज़र, तो एहसान यूज़र यू लिख देता हूँ मतलब से, और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड लिख देता हूँ @एहसान एंड अगेन @एहसान। ओके, तो ये हमारा पास यूज़र हो गया और ये उसका मैंने पासवर्ड रख दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूज़र आ गया, इसको मैं फिर कॉपी करता हूँ और वापस जाता हूँ कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखें डीबी यूज़र, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो डालता हूँ @एहसान। ओके, और वापस जाता हूँ यहाँ पे डेटाबेस के अंदर और बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप यहाँ पे रहता है, मैं नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया एहसान यू, और यहाँ पे डेटाबेस था मेरे पास एहसान। ओके, मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया इन दोनों डेटाबेस और यूज़र्स को, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, मैं इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑल प्रिविलेजेस और मेक चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, और फाइनल काम हमने यहाँ पे करना है सेव चेंजेस। अब यहाँ पे अब मैं टेक्निकली थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, तो हमने ये फाइल को मॉडिफाई कर दिया, इसको मैं कट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से जो है रीलोड कर दूंगा। अब टेक्निकली हमने ये जो फाइल्स अपलोड की थी इन फाइल्स को कनेक्ट कर दिया उस डेटाबेस के साथ। ओके, ये डेटाबेस हमारे पास कम्प्लीटली फाइनल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने डोमेन ली थी मेल कैनवास, सिर्फ सिंपल इन दोनों का कनेक्शन बनाने के बाद जस्ट उसको एंटर करना है और मेरे पास इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो सारा डिटेल आ जाएगा। अब जस्ट मुझे इसको फिल आउट करना है, यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेम वही ऑप्शंस हैं जो हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एहसान दानिश, यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम एहसान 123, और यहाँ पे कंफर्म वीक पासवर्ड, यहाँ पे हेलो मेल कैनवास, और इस ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना और सिंपल इंस्टॉल कर देता हूँ। अब ये मेरा यूज़र नेम होगा और ये मेरा पासवर्ड, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ।
ओके यहाँ पे हमारे पास जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसी तरह से हमारा वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको बैकएंड लॉगिन करना है। बैकएंड लॉगिन करने के लिए मैं /wp-admin एंटर करूँगा और अपना यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा admin@ehsan123 और लॉगिन कर लूँगा। सिंपल इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा अपनी होस्टिंग के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के लिए। 90% होस्टिंग्स जैसी पैनल्स के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन समहाउ इन रेयर केसेस आपको नहीं मिलता तो ये डेटाबेस क्रिएशन और ये फाइल मैनेजर, ये ऑप्शन हर होस्टिंग में ज़रूर ज़रूर 200% होते हैं, राइट। तो आप इनको एक्सेस करते हो और इस तरह से वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।